नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। उत्तर प्रदेश से अब एक बड़ी खबर आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में पहले मंत्री रह चुके राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती बाबू एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि मेरे राजनीतिक जीवन की 42 सालों में मैंने तहसील और थानों में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। मैं सोच नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, वो अकल्पनीय है। अब आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर मोती सिंह ने अपनी पार्टी की सरकार में अफसरों की कार्यशैली पर जमकर आरोप लगाए हैं। ये आरोप उन्होंने बीजेपी के प्रतापगढ़ जिले में जब मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, उसमें ये मोती सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और इन आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी लगातार उनका वीडियो शेयर कर जनता में ये संदेश देने का प्रयास कर रही है कि मौजूदा हालात में सरकार किस तरीके से अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, कांग्रेस नहीं कह रही, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोती सिंह। देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोग्राम चल रहा है, 11 जून का प्रोग्राम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 249 पट्टी विधानसभा में मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सुनिए क्या कहा है मंत्री जी की खुद बाई। नवसर्जित नगर पंचायत नहीं है, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो कहीं न कहीं अपने लोग। इसलिए बीजेपी को कोई कमजोर इसलिए नहीं कर सकता कि लोकसभा के चुनाव में या वे शिकायत तो करते थे कि वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है, दरवाजे पर वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में। लेकिन बिना मांगे मित्रों 67,000 वोट अगर मिल सकता है किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की किसी में कम हो लेके दिखा दे। ये जो मोहेरी लाल के सपने देख रहे हैं, मैं तो मानता हूँ संगमलाल जी को आ जाना था, लेकिन वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अभी चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखा था। मैंने कहीं बयान में पढ़ा था कि मैं संघर्ष करूंगा, मैं तहसील जाऊंगा, मैं थाना घेरूंगा, मैं कार्यकर्ताओं के लिए जरूरत पड़ेगी तो अपने शरीर का खून भी दूंगा। हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं, खून की जरूरत न पड़े या बीमार न हो। लेकिन तहसील घेरना, थाना घेरना पड़े तो उसमें उन्हें कोई कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। कौशल जी, आपके माध्यम से इस संगठन के साथियों के लिए हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है। हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यही आपकी इज्जत बची है। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे कुर्सी पर। आप सुन रहे थे मंत्री जी कह रहे हैं अकल्पनीय है, सोच नहीं सकते। ये भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोती सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगाए हैं, उनके अधिकारियों पर लगाए हैं, उनके कर्मचारियों पर लगाए हैं। जहां ये भ्रष्टाचार का मामला बड़ी तेजी से चलता नजर आ रहा है, दिखता नजर आ रहा है, ऐसे में बीजेपी के सामने क्या संकट बरकरार रहेगा? जब बीजेपी
बैकफुट पर आ चुकी हो, लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटें गंवा चुकी हो, उसके बाद ये भ्रष्टाचार के आरोप, अन्य आरोप, जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल के एक विधायक पर नीट पेपर में सम्मिलित होने का आरोप, कितनी घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सवाल सोचने वाला है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। मंत्री जी का ये बयान समाज में चर्चा का विषय बन चुका है, सोशल मीडिया पर यह बयान अभी अभी वायरल हो चुका है, और पूरा बयान सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर आएं और समझें कि मंत्री जी ने क्या कहा। नमस्कार।